A shocking and horrendous case from Uttar Pradesh's Muzaffarnagar has come to light where a newlywed bride was tortured and harassed by her husband and in-laws. The incident took place after 3 days of her marriage. According to the victim Rubina, she was harassed and tortured by her in-laws for not bringing a car as dowry after the marriage. मुझे यूँ कहा जब तेरी फुप्पा छोटी उस गाय में बाइक दी तो क्या तुझे चलने में हम कार नहीं दे सकते किसने कहा है ब्रेजेट ने इंतजार नाम है उसका अच्छा फिर और जिससे मेरी शादी हुई उसने भी कहा और क्या हुआ कार क्यों नहीं लेकर आई ये इनका जो झगड़ा ज्यादा लग रहा है और वो लड़की घबराई हुई जा रहा है मारपीट सब ने करी मेरे साथ और उसने बहुत बदतमीजी करी बताने के लायक नहीं है आदमी ने भी की औरतों ने भी की और जो जेठ का लड़का है उसने मेरे साथ जबरदस्ती की 27 तारीख में रात में 10-11 बजे के आसपास मेरे पास कोई था नहीं वहाँ मैं लेटी थी जब मैंने शोर करा जब आए सारे वे भी उल्टा मुझे ही गाली देने लगे फिर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी सबने मिल गए पूरा गाँव उनके साथ है हाँ मुझे भी पता चला है इनके परिवारजनों से बात की गई जैसा इन्होंने बताया कि इनकी लड़की को इनके घर के पास छोड़ के चले गए जिन्होंने उसे अस्पताल दाखिल कराया तहरीर लेकर आए हैं जांच की जाएगी सत्यता के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई विधिक कार्रवाई की गई